हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंक्लूडेड एंगल क्या है और कब हम ट्रेवर्स में इंक्लूडेड एंगल को इंटरनल इंक्लूडेड एंगल लेंगे और कब हम एक्सटर्नल इंक्लूडेड एंगल कंसीडर करेंगे। सो जब भी हम इंक्लूडेड एंगल मेज़र करते हैं किसी भी ट्रेवर्स में, तो वो हम लोग प्रीवियस लाइन से नेक्स्ट लाइन के लिए मेज़र करते हैं। मान लीजिए जब आप सर्वे कर रहे हो तो फर्स्ट पॉइंट इज़ ए, सेकेंड पॉइंट इज़ बी एंड थर्ड पॉइंट इज़ सी। सो इस लाइन में मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है कि प्रीवियस लाइन हमारी ए बी है और नेक्स्ट लाइन हमारी बी सी है। सो अगर हम देखें कि एक एंगल यहाँ पर बन रहा है प्रीवियस लाइन से नेक्स्ट लाइन, तो ये बाहर वाला एक एंगल थीटा वन यहाँ बन रहा है। प्रीवियस लाइन से नेक्स्ट लाइन एक एंगल हमें यहाँ पर थीटा टू मिल रहा है। दो एंगल इन दोनों लाइन्स के बीच मिल रहे हैं, हम किसे इंक्लूडेड एंगल बोलेंगे? तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एंगल जो हम मेज़र कर रहे हैं वो हम मेज़र कर रहे हैं फ्रॉम प्रीवियस लाइन टू नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट इंक्लूडेड एंगल के लिए जो हमें बात ध्यान रखनी है कि हमेशा जब हम इंक्लूडेड एंगल मेज़र करेंगे, जो डायरेक्शन रहेगी मेज़र करने की वो हमेशा क्लॉकवाइज रहेगी। सो अगर मैं ये वाला केस देखूं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल है थीटा वन। इसका मतलब इस केस में जो इंक्लूडेड एंगल होगा वो हमारा थीटा वन होगा। तो यहाँ से अगर हम ये समझे कि अगर एक ट्रेवर्स में यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ लाइन्स का ड्रॉ करूँ, तो ट्रेवर्स में मान लीजिए मैंने पॉइंट्स ए बी सी डी इस तरीके से डिफाइन किए, तो मुझे डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्स साफ साफ इन नाम से ही समझ में आ रही है। सो प्रीवियस लाइन से नेक्स्ट लाइन के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप एंगल देखिए, तो यहाँ पर जितने भी एंगल बन रहे हैं इस डायग्राम में आप देख रहे हो वो सारे एक्सटर्नल एंगल हैं। इन सभी को हम इंक्लूडेड एंगल बोलेंगे और ये होंगे हमारे एक्सटर्नल इंक्लूडेड एंगल, एक्सटर्नल इंक्लूडेड एंगल, ठीक है। तो इस केस में जो हमारा ट्रेवर्स है, दैट ट्रेवर्स इज़ रनिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर आपका ट्रेवर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रन कर रहा है तो उस केस में जो इंक्लूडेड एंगल फॉर्म होते हैं दैट आर एक्सटर्नल इंक्लूडेड एंगल। और अगर हम इसका बिल्कुल ऑपोजिट केस कंसीडर करें, इफ़ ट्रेवर्स इज़ रनिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मान लो पॉइंट ए यहाँ है, बी यहाँ, सी यहाँ, डी यहाँ, तो इस केस में अगर हम ये माने कि आई थिंक ये हमारा सेम ही बन गया, इसमें एरो मुझे थोड़ा अलग लेना चाहिए, एक मिनट। सो अगर हम ये कंसीडर करें कि ट्रेवर्स हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रन कर रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज में मैंने इस डायरेक्शन में ए बी सी डी दिखाए, तो देखिए यहाँ डायरेक्शन चेंज हो गई। अब जो ट्रेवर्स रन कर रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रन कर रहा है। तो अगर ट्रेवर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रन करता है, तो अगर आप प्रीवियस लाइन, ये देखो इस केस में प्रीवियस से नेक्स्ट लाइन क्लॉकवाइज बन रहा है, ये एंगल ए बी इज प्रीवियस लाइन, बी सी नेक्स्ट लाइन है, तो प्रीवियस से नेक्स्ट लाइन के लिए एंगल ये बन रहा है। तो प्रीवियस लाइन से नेक्स्ट लाइन के लिए जो एंगल बनेंगे वो इंक्लूडेड एंगल होंगे। सो इफ ट्रेवर्स इज रनिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इंक्लूडेड एंगल हमारे सभी इंटरनल इंक्लूडेड एंगल होंगे, ये सभी हमारे इंटरनल इंक्लूडेड एंगल होंगे। सो इंक्लूडेड एंगल जब भी मेजर करना है आपको डायरेक्शन याद रखनी है और प्रीवियस लाइन से नेक्स्ट लाइन के लिए मेजर करना है, ये दो बातें ध्यान रखनी है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कब हमें इंक्लूडेड एंगल एक्सटर्नल लेना होगा और कब इंटरनल। और ये एसएससी जेई के प्रीवियस, अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो एसएससी जेई प्रीलिम्स में ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है एंगल देकर कि इंक्लूडेड एंगल निकालो। सो आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।